ये जेठिया ने फिर गड़बड़ कर दी। अरे उसे माऊ जी के घर 50,000 रुपए लेने भेजा था, 50,000 रुपए तो लिए नहीं, ऊपर से बबू चक उसे कुकर भी नहीं कराया। बबू चक कहीं का? तू लगा जेठिया को फोन लगते हैं। जेठालाल ये तुमने क्या किया, 50,000 वापस लेने की जगह पे कुकर भी दिया है। अरे मैंने कहा कुकर दिया, उन्होंने मेरे हाथों से छीन लिया। और ये सब नटू काका की वजह से हुआ है। नटू काका? और नहीं तो क्या, आज वो यहाँ होते तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, उनको भी आज ही छुट्टी लेनी थी। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा तो पागल हो जाऊंगा। छोड़ो छोड़ो, हाँ चलिए भाई साहब। नहीं साहब, हम नहीं जा सकते। क्यों? नहीं साहब, नंबर उसका है। ओ अच्छा अच्छा, सॉरी हाँ भाई। चलो भाई साहब, हाँ पापा ने क्या? दया को भी चैन नहीं है। हाँ बोल। टोपू के पापा ये आपने क्या किया? क्या? 50,000 तो दिए थे, ऊपर से प्रेशर कुकर भी देकर आ गए। तुझे कैसे पता चला? अरे सभी रिश्तेदार फोन कर करके बापूजी को शादी का आमंत्रण दे रहे हैं और गिफ्ट में बड़ी बड़ी रकम मांग रहे हैं। भगवान बोला फोन मुझे। ए, ए, ए जेठिया, तेरी खोपड़ी में क्या अक्कल की जगह भूसा भरा है? 50,000 रुपए क्या कम दे जो उस माऊजी को कुकर भी देकर आया? अरे बापूजी वो सॉरी बापूजी। अरे क्या सॉरी, तूने माऊजी को बताया नहीं कि बागा ने गलती से 50,000 रुपए दिए थे उसे? हाँ। अरे बापूजी मैंने उनको बोला तो वो सब हंसने लगे। कहने लगे अरे ऐसा थोड़ी कोई करता है, शादी में दी हुई गिफ्ट वापस थोड़ी कोई मांगता है। अच्छा मजाक कर लेते हो बेटा, बोलो। और दूसरा बापूजी वो हमारी गिफ्ट पाकर इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे कि मैं उनसे उनकी खुशी छीनने की हिम्मत नहीं कर पाया। मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते बापूजी। ठीक है ठीक है, लेकिन भाई उस माऊजी को फोन करके बोल कि कम से कम हमारा प्रचार तो ना करे। अरे ऐसे सबको 50,000 रुपए की गिफ्ट देते रहेंगे तो हम लोग तो रास्ते पे आ जाएंगे। हाँ हाँ बापूजी, अभी अभी फोन करता हूँ, अभी फोन करता हूँ। लोग पैसे देके सामने से अपनी वाह वाह करवाते, अरे गम है जो पैसे देके सामने से कह रहे हमारी वाह वाह मत करो। क्या नसीब है हमारे। हाँ, वो तो है। हेलो हेलो, माऊजी काका जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो बेटा, और क्या देना चाहते हो? सलाह माऊजी काका, आपसे एक विनती है। क्या है कि हमने आपको जो 50,000 और वो कुकर दिया ना, वो आप प्लीज किसी को बताना मत। क्या है हमने वो प्यार से गिफ्ट दिया है, प्रसिद्धि के लिए नहीं। जेठा बेटा, तुम और तुम्हारे पिताजी किस मिट्टी से बने हो? इतना करने के बाद भी प्रसिद्धि भी नहीं चाहते हो? सच में तुम और तुम्हारे पिताजी भगवान हो? अरे नहीं नहीं, हम लोग कोई भगवान नहीं है, ये तो मजबूरी है। तो प्लीज आपसे विनती है, आप किसी को बताना मत, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। जरा मुझे दीजिए ना। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सत्कर्म की बात किसी से नहीं कहेंगे। अच्छा आप फोन रखते हैं। ये सब बागा की वजह से हुआ है। बागा, हाँ सेठ जी। कहाँ तो? मैं तो उगता हुआ चांद उगते ही दुकान आ गया था, लेकिन मुझे दुकान बुलाकर आप कहाँ चले गए? चूना लगवाने गया था। सिर्फ चूना, साथ में कत्था भी लगवाना चाहिए था सेठ जी, क्योंकि क्या है सिर्फ चूना वाला पान खाने से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। छाले? बस कर भाई बस कर, रहम कर, बेरहम। बेरहम? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। समझाता हूँ, तू रुक अभी दुकान आकर तुझे सब कुछ समझाता हूँ। अरे मेरी गलती हो गई, मैं इस दुकान में आया। अरे भाई साहब इस दुकान से कुछ मत खरीदो, ये सेल्समैन पागल है।
अरे भाई मैं कस्टमर नहीं है, दुकान का मालिक हूँ। अरे बाप रे, बड़ा पागल आ गया। तू क्या चाहता है? क्या करूँ मैं? बंद कर दो दुकान, हिमालय चला जाऊं, संन्यास ले लूं? तेरी वजह से मुझे 50,000 का नुकसान हो गया, दो दो कुकर गए, कस्टमर लोग दुकान में आ आके बिना खरीदी किए वापस जा रहे हैं, ये सब नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ऊपर से हंस रहा है बेशरम। मैं हंस नहीं रहा हूँ सेठ जी, रो रहा हूँ। अरे तू रो रहा है? ये नटू काका भी मुझे कहाँ फंसा के चले गए? अरे इसमें रोने क्या बैठ गया भाई? क्या हो रहा है तुझे? बात तो कर, कुछ बता तो सही। कोई तकलीफ है तो उसका रास्ता निकालते हैं। ऐसे देखने जाए तो कोई तकलीफ नहीं है सेठ जी, लेकिन अगर ऐसे देखने जाए तो तकलीफ है। मेरा दिमाग कुछ बंद सा हो गया है, आप जो भी कुछ कहते हैं वो मुझे सुनाई नहीं देता, सुनाई देता है तो मैं वो कर नहीं पाता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि मुझे आप भी दिखाई नहीं देते। सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, क्या वो मैं आपको नहीं बता सकता। बागा भाई ये लो चोर मारने की दवाई। लाओ। बागा? ये क्या कर रहा है तू? सेठ जी, मैं जो भी कर रहा हूँ आपके अच्छे के लिए कर रहा हूँ। नहीं बागा, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन सेठ जी, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो आपको लाखों का नुकसान होते ही रहेगा। अरे होने दे नुकसान, नुकसान होने से कोई चूहे मारने की दवाई थोड़ी खा लेते हैं। सेठ जी, ये दवाई मैं नहीं चूहे ही खाएंगे। गोडाउन में चूहे बहुत हो गए हैं ना, इसलिए मैंने ये दवाई मंगाई है। तुझे बहुत हंसी आ रही है। सॉरी सेठ जी। जा गोडाउन में काम कर अपना। बागा भाई ये लो चूहा मारने की दवाई। हाँ, ये दवाई गोडाउन में चारों ओर बिछा दो। बागा तुझे क्या हो रहा है? तू क्यों ऐसा कर रहा है? कुछ तो बता। सेठ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है सेठ जी, मुझे प्लीज नौकरी से मत निकालना। नहीं नहीं, नहीं निकालूंगा। थैंक यू सेठ जी। और एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ दुकान में रह सकता हूँ? दुकान में? बाहर जाऊंगा तो फिर से खो जाऊंगा। ये दुनिया है एक जंगल और मैं हूँ भोला ससा, आप हो मेरे तारणहार, आपके चरणों में मैं बसा। ससा बसा तारणहार, ये मुझे बहुत डरा रहा है। क्या करूं, कैसे इसे समझूं? मृता साहब बगा, तू एक काम कर, तू शांति से बैठ। हाँ, शांति से आराम से बैठ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कर, शांति से बैठ। पहले उससे कहो कि अपना काम पूरा सीख ले। हाँ एक मिनट, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ जेठालाल, क्या हुआ, ले आए तुम 50,000 वापस? अरे वो छोड़िए, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया मेहता साहब। अब क्या हो गया भाई? ये बागा धुआंधार बैटिंग कर रहा है। क्या मतलब? कहता कि दुकान के बाहर नहीं जाऊंगा, दुकान में ही रहूंगा, और अपने आप को ससा और मुझे तारणहार कह रहा है, और बोल रहा है उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना मैं ना दुकान। क्या कह रहे हो जेठालाल, खुद समझ में नहीं आ रहा है? अरे मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब, लगता है उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप जल्दी से यहाँ दुकान आ जाइए, फिर हम उसे डॉक्टर हाथी के पास लेके जाते हैं। ठीक है? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सोढ़ी को फोन करता हूँ, हम लोग उसकी जीप लेके वहाँ आ जाते हैं।
ताकि ये रिक्शे विक्शे का झंझट न रहे, है ना। और हाँ जेठाना, तुम बाघा को ये मत बताना कि तुम उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो भाई उसे कुछ भी कहने से डर रहा हूँ। अब जल्दी आइए, मैं तो सब बहुत टेंशन हो रहा है मुझे। अरे टेंशन मत लो, हम लोग अभी आते हैं, फिर चलते हैं ना डॉक्टर हाथी के पास। हेलो। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। धीरे बोल। सुन दया, बाघा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। धीरे बोल। क्या हुआ बेचारे बाघा भाई को? पता नहीं, उसके दिमाग पे असर हो गया है, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है। तो मैंने अभी है ना, मैं तो सबको फोन किया था, तो वो सोडी को लेके यहाँ आ रहे हैं, तो सोडी की जीत में हम बाघा को बिठा के उधर डॉक्टर हाथी भाई के पास लेके आ रहे हैं। तो तू जरा हाथी भाई को बोल देना कि फ्री रहे, कहीं बाहर ना जाए, वो बाघा का चेकअप करना है। ठीक है? ठीक है, मैं हाथी भाई को बताती हूँ, आप जल्दी से घर पर आइए, जल्दी। हाथी भाई, हाथी भाई, बच्चे जी बाघा भाई की रक्षा करना। दया भाभी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? कोई टेंशन तो नहीं है? मेरे बहन बाघा भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई है अचानक। दया भाभी, क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ बाघा की तबीयत को? बताती हूँ जरा, हाथी भाई का काम है। हाथी भाई, हाथी भाई, क्या हुआ दया भाभी? हाथी भाई, बाघा भाई की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। टप्पू के पापा और मैं तो सब उनको लेकर आ ही रहे हैं, तो आप प्लीज थोड़ी देर घर पर ही रहिए ना। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर पे ही हूँ, लेकिन बाघा को हुआ क्या है? हाथी भाई मैं बताता हूँ, बाघा सारे काम उलट पुलट कर रहा है। 50,000 रुपए जो मुझे देने थे वो किसी और को देके आया, और किसी और को देने वाला प्रेशर कुकर मेरे पास लेके आया। दया भाभी, मैंने रोशन से बात कर रही है, वो सब बाघा भाई को लेकर आते ही होंगे। ये आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे बाघा कहीं नहीं ले जा रहे भाई, सोडी ने बोला कि आज मौसम बड़ा मस्ताना है, तो हमने सोचा इस मस्ताने मौसम में चक्कर लगाते हैं इसलिए। अरे लेकिन हम कब से सीधा ही जा रहे हैं, कहीं कोई चक्कर तो मारा ही नहीं। अरे भाई ऐसी बातें मत कर, तेरी बातें सुनकर भी मुझे चक्कर आने लगे। और जेठा प्राव, टेंशन मत लो, कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा। मुझे शाम से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो बुखार जैसा लग रहा है अंदर से। पापा जी, क्लाइमेट भी चेंज है ना, बुखार तो फिर भी ठीक हो जाएगा। ये बाघा को क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास प्रेशर कुकर देकर गया, 50,000 रुपए देने थे ना मुझे वो मेंटेनेंस के। आप लोग मानोगे नहीं, पता है बाघा भाई ने दुकान पे आके पीने के लिए क्या मांगा? क्या क्या? मसाला शैम्पू। मसाला शैम्पू, ऐसे थोड़ी होता है कुछ, वो क्या होता है? हाँ मैं भी ऐसे ही हैरान हो गया था। अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट। अब आगे उतर। सेठ जी, आपने तो कहा था कि हम चक्कर मारने निकले हैं, लेकिन आप तो मुझे गोकुलधाम सोसाइटी ले आए। मैंने आपसे कहा था मुझे दुकान में रहना है, मैं जा रहा हूँ वापस दुकान। जेठापुरा आजा, क्या कर रहा है? बाघा मेरी गड्डी से नीचे उतर। ठीक है, बस मैं सिर्फ आपकी जीप से दुकान जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है चल के भी जा सकता हूँ। देखिए, आपको दुकान ही जाना है ना? हाँ। तो पैदल जाएंगे तो कब पहुँचेंगे? इससे अच्छा ना सोड़ी भाई आपको अपनी जीप में दुकान छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी जीप से नीचे उतार दिया, मैं चल के ही चला जाऊंगा। देखिए बाघा भाई, मैं क्या कहती हूँ, आपको तो पता है ना, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में लोग आते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं हमारी मर्जी से। मतलब आप हमारी सोसाइटी में खाना खाए बगैर जा ही नहीं सकते। एक
मिनट एक मिनट, लेकिन मैं एक ही रात में सबके घर पे जाके खाना कैसे खा सकता हूँ? बराबर है, तो एक काम कर, तो सबके घर पे जाके थोड़ा 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 खा ले, ठीक है? हाँ जेठा प्रा, ये बात आपने एकदम सही कही। चलो मेहता साहब के घर से शुरू करते हैं। अरे मेहता साहब के घर से नहीं, आती भाई के घर से। हाँ। पर जेठा प्रा, मेहता साहब का घर ज्यादा नजदीक है। रोशन, अरे वहाँ करेले की सब्जी है। वाओ। जो आज नहीं बनी है। हाँ हाँ, इसलिए आती भाई के घर से शुरुआत कर, ठीक है? बराबर है। अरे भाई बागा, मैं और अंजलि भी आज एक्चुअली डॉक्टर हाथी के घर इनवाइटेड है। तो पची, हाँ। तो बागा एक काम कर, तू पहले जाके खाना खा ले, फिर मैं और अंजलि जाके खा लेंगे। हाथी भाई जरा संभल के, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसका चेकअप कर रहे, क्या जरा मामला नाजुक है ना? हाथी भाई मुझे भी चेकअप करवाना है, आइए। अरे क्या आइए, आपने पहले बागा की बुकिंग ली है, पहले उसका चेकअप करो भाई। उपटला, कब से तो हम यहीं बैठे थे, अगर तब तुमने बता दिया होता तो अब तक तो तुम ऊपर चले गए होते। मतलब ठीक होके अपने घर ऊपर? नहीं, अब बस थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। लो बोलो, मुबारक हो भाई, बोपटलाल तो ठीक हो गया, अभी वो ठीक नहीं है मागा, उसका चेकअप कीजिए ना प्लीज जल्दी। हाँ देखता हूँ, देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। या बागा ने तो आज दिन में भी तारे दिखा दिए। जेठा पर आपने बताया नहीं कि बागा साइंटिस्ट भी है? क्या मतलब? अभी आप ही तो कह रहे थे कि उसने आपको आज दिन में ही तारे दिखा दिए। भी बोले रोशन, और सुनिए मैडम मजाक कर रहा सी, आई तो के टाइम से मजाक करवाना। ओए पापा जी, सॉरी सॉरी। हां एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अचानक बागा भाई को क्या हो गया? अरे हां बबीता, मेरे को तो लगता है कि ये जयडालाल ने जरूर बागा के ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया होगा। क्या यार भाई, हमारे धंधे में खाली सेठ लोगों को प्रेशर होता है, आदमी लोगों को नहीं। हाँ जेठालाल, और अय्यर वैसे भी काम के प्रेशर से ऐसा नहीं होता है। आजकल हमारे शहरों की जिंदगी में कितने तनाव हो गए, इस टेंशन भरी जिंदगी में किसी के भी साथ ऐसा मतिभ्रम हो सकता है। भाई हुआ इसके साथ, इसमें बेचारा बाघा क्या करे और जेठालाल क्या करे? हाँ, शायद maybe, लेकिन बागा भाई तो हमेशा खुश मिजाज रहते हैं, आज अचानक क्या हो गया उन्हें? आश्चर्य है खरज। तो जेठालाल, मुझे लगता है बागा को पैसों का प्रॉब्लम होगा, तुम उसकी पगार बढ़ा दो, वो नॉर्मल हो जाएगा। वो तुम्हारा जैसा नहीं है। क्या मतलब? मतलब वो बीमारी का झूठा नाटक करके अपनी पगार नहीं बढ़वाता। तुम कहना क्या चाहते हो जेठाला? मैं अपनी बीमारी का झूठा नाटक करके अपनी पगार बढ़वाता हूँ? तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आया ही कैसे कि बागा पगार की वजह से बीमार पड़ा है? तुमको पता है बागा की पगार कितनी है? कितने? तुमसे ज्यादा है। हाँ, तो एक नौकर को इतनी ज्यादा पगार दोगे तो उसका मानसिक संतुलन हिलेगा ही ना? अरे मानसिक संतुलन तो तुम्हारा हिल गया है। तुम क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल क्या रहे हो तुम? वही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी, पगार की वजह से बीमार पड़ा है। ये? शांत हो जाओ दोनों। बाबूजी देखो ना, एक तो बागा का इतना टेंशन, ऊपर से पोपटलाल। सॉरी। हाथी भाई, वो कोमल भाभी अभी तक कुछ लाई नहीं? बस लेके आई रही होगी। बागा की नाड़ी चेक करनी है और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए, क्या करूं? अरे बागा, तुम्हारी वो कलाई इतनी भरी हुई है और ये कलाई इतनी सूनी क्यों है भाई? अरे भाई कुछ घड़ी वड़ी पहना करो। घड़ी पहन के क्या करो हाथी भाई, मेरा तो वक्त ही बुरा चल रहा है। अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बागा, तुम्हारा वक्त तो बहुत अच्छा आने वाला है। अच्छा, किसने कहा? तुम्हारी आंखों ने। तुम्हारी आंखों में इतना तेज जो है, कितनी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हारी, दिखाना जरा। अच्छा देखिए,
तुम्हारा वक्त तो बहुत अच्छा आने वाला है। अच्छा, किसने कहा? तुम्हारी आंखों ने। तुम्हारी आंखों में इतना तेज जो है, कितनी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हारी, दिखाना जरा। अच्छा, देखिए। आंखों में भी बीमारी के कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे? कुछ खास नहीं है। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हाथी भाई, अगर नहीं आने वाला है नाश्ता तो मैं पकड़ लूँ अपना रास्ता? अरे नहीं नहीं बागा, बस नाश्ता आ ही रहा होगा। कोमल गर्मा गर्म लो बागा, लो खाओ। वैसे बागा एक बात तो बताओ, तुम्हें कभी सर पे चोट लगी है अभी या बचपन में कभी? पता नहीं हाथी भाई, लेकिन बचपन में मेरी वजह से बहुतों को चोट लगी है। अरे बहुत मजाक करते हो बागा, तुम बहुत मजाक करते हो। लीजिए ना, लीजिए जी प्लीज। एक मिनट बागा, आता। कोमल, वैसे तो बागा नॉर्मल है, लेकिन मुझे लगता है उसके दिमाग पे किसी बात का असर हुआ है। नॉट गुड। सही बात है। कोमल तुम यहीं रुकना, मैं बाहर जाके आता हूँ। जल्दी आना। लो ना चटनी, लो। नहीं चटनी नहीं, कचौरी बहुत अच्छी बनाई है आपने। कचौरी? हाथी भाई को बोलने तो दो। बोले बोले हाथी भाई, क्या हुआ? अरे आप पेशेंट जैसा मुंह मत बनाइए हाथी भाई, कुछ बोलिए। हाँ, हम सब सुनने के लिए इम्पेशेंट हो रहे हैं, प्लीज। हाँ हाथी भाई, बताइए ना क्या हुआ। वैसे तो जेठा भाई सब कुछ ठीक है, आधा नॉर्मल है, लेकिन मुझे लगता है उसके दिमाग पे कुछ असर हुआ है, किसी बात का सदमा लगा है। क्या सदमा? ओ माय गॉड, फिर तो हमें बाघा भाई को किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। क्या साइको? क्या मनोचिकित्सक, दिमाग के डॉक्टर। अरे बाप रे, नट्टू का कभी यहाँ नहीं है, कैसे निर्णय लूं? जेठिया, बाघा को ठीक करने के लिए हमें जहाँ जाना पड़े हम लोग जाएंगे, जितना भी खर्चा हो हम लोग करेंगे। हाँ हाँ बापू जी, ये भी कोई कहने की बात है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा को एक बात समझ में नहीं आता है कि अचानक बागा का तबीयत बिगड़ा कैसे? तो जलसा पार्टी की रात को तो एकदम ठीक था। हाँ मस्त एकदम। कहीं ऐसा तो नहीं रात को घर जाते वक्त उनका पैर चार रास्ते में किसी कुंडाले पे पड़ गया हो? भगवान, या हो सकता है बागा भाई को किसी की नजर लग गई हो, है ना? हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मेडिकल इन बातों को नहीं मानता है। हाँ, साइंस भी इन सब को नहीं मानता है। नहीं नहीं अय्यर भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है जहाँ पर विज्ञान रुक जाता है ना, वहाँ पर बड़ों के ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। ये भी सही बात है। हाँ तब तो पापा, आप जल्दी फोन दीजिए, तो मुझे माँ को फोन करना है जल्दी। अरे इसमें तेरी माँ क्या करेगी? अरे टप्पू के पापा, आप माँ को नहीं जानते, माँ ने कई पागल लोगों को ठीक करके उनकी शादी करवाई है। इसको ठीक करना नहीं, ठिकाने लगाना कहते हैं। तू अभी जीपा छोड़ी छोड़ ले भाई, फोन लेना बहू को। सैंडविच ढोकला भी अच्छा। सैंडविच ढोकला? सैंडविच ढोकला कौन है? अरे भाई एसटीडी चल रहा है, शांति। सॉरी सॉरी सॉरी, बात करो बात करो। हम टप्पू भी ठीक है। अरे भाई मेन बात कर रहे हैं, सब छोड़ने, सब ठीक ही है इधर। बग्गा को छोड़ के उसकी बात कर। माँ मुझे एक जरूरी बात करनी है, सुनो। ठीक है माँ, थैंक यू माँ, मैं बाद में फोन करके सब बताती हूँ।
लीजिए। क्या क्या कहा माने? माने कहा कि जब कोई व्यक्ति अचानक ऐसा वर्तन करता है ना, तब दो ही सत्यता हो सकती है। एक, या तो उसको किसी की नजर लग गई है, या फिर किसी कुंडाले पर उसका पैर पड़ गया है। बगली मंटल ना। तो माने उसका इलाज भी बताया है कि उनकी नजर उतार लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बाघा की नजर उतारने के बजाय तू अपने सर से माँ की असर उतार। टप्पू के पापा, आप मेरी माँ की बात का मजाक मत उड़ाइए। जितना गंगा नदी के पानी में सत है ना, उतना सत मेरी माँ की वाड़ी में है। वाह, पर दया भाभी, मुझे नहीं लगता कि बाघा नजर उतारने के लिए तैयार होगा। सही बात है, मैंने भी बड़ी मुश्किल से उसको चेक किया है, जैसे उसको पता नहीं चले। तो उनको पता ना चले वैसे हम नजर उतारेंगे। हाँ बरोबर है। अरे काहे बरोबर है माधवी, बाघा की नजरों के सामने उसकी नजर उतारेंगे तो उसको नजर नहीं आएगा। यही बरोबर है। हाँ मतलब उससे नजर बचा के उसकी नजर उतारनी पड़ेगी। मैं उनको आंखें बंद करने को कहूंगी और फिर उनकी नजर उतार लूंगी। हाँ ये भी बराबर है। तो एक काम करते हैं, बागा भाई के बाहर आने से पहले सारी तैयारी कर लेते हैं। ओके। हाँ तो सुनिए, इसके लिए हमें जल्द से जल्द कुछ चीजों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। थोड़ी सी सूखी मिर्ची, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सरसों, दो नींबू। नजर उतारनी है कि सब्जी बनानी है? अरे हाँ, थोड़ा सा सिंदूर, कंकू और गाय का सूखा गोबर बहुत जरूरी है। सूखा गोबर मैं लेके आता हूँ। जल्दी जल्दी जाइए और हम सब लेडीज तब तक बाकी की चीज का बंदोबस्त करते हैं। चलिए चलिए जल्दी। सॉरी भाई, आप आपकी जीप जरा बाजू में रख दीजिए ना। जल्दी। वो तो अच्छा है, टप्पू सेना अपने दोस्तों के घर गई है। नहीं तो इतने सवाल पूछते कि पूछो ही मत। अभी सब लोग ये कुंडले से दूर हो जाओ, वरना क्या होगा कि बाघा भाई से नजर उतरेगी और जो भी ये गुंडाले के नजदीक होगा ना, उनको नजर लग सकती है। हाँ, तो अभी सब तैयारी हो गई है। हाथी भाई, मैं यहाँ हूँ। दया भाभी, अब आप बाघा भाई को लेकर आइए। जल्दी। हाँ हाथी भाई, होते रहता है ऐसे। चलिए बागा भाई। कहाँ? हाँ मुझे तो दुकान जाना है। हाँ। चलिए चलिए आती भाई। थैंक यू कोमल भाभी, नाश्ता वाकई बहुत टेस्टी था। वेलकम। थैंक यू जी। आइए। सब लोग बागा को ऐसे मत देखो। सब बबूचक है। अरे मेरा मतलब है बागा को घूर घूर के मत देखो। ऐसे देखो कि उसको पता ना चले कि हम उसको देख रहे हैं। कनखियों से, कनखियों से, कनखियों से, मतलब आग के कॉर्नर से। भाई आपकी जीप चली गई, मुझे दुकान जाना था। बाघा भाई, वो क्या है, मुझे आपसे काम है, मेरा काम करेंगे प्लीज? अरे सेठानी जी, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ, जरूर करूंगा, लेकिन कोई गड़बड़ हो गई तो फिर गारंटी नहीं। अरे
चलेगा चलेगा, आप आइए ना जरा जी। अरे बागा भाई अब रुक क्यों गए, चले ना। जी जी सेठानी जी। हंस ये सब क्या हो रहा है? कोमल दया भाभी की माँ ने कहा है कि बागा को शायद किसी की नजर लग गई है, तो दया भाभी बागा की नजर उतारेंगी। अच्छा गुड। बागा भाई आप एक कदम चल के फिर सोचिए ना, आप चलिए। तो जी जी सेठानी जी। अपनी इंडियन क्रिकेट टीम मैच जीत गई हो, सब ऐसे क्यों खुश हो रहे हैं? हाँ बागा भाई, अरे आप वो सब छोड़िए ना, आप आंखें बंद कीजिए और चांद को देखिए। आंखें बंद करके चांद को देखूं? क्या सेठानी जी आप भी आंखें बंद करके चांद को कैसे देख सकता हूँ? अरे बागा भाई वो आंखें बंद करके हम भगवान को कैसे देखते हैं? ठीक वैसे आप चांद को देखिए, आंखें बंद कीजिए। जरा आगे आइए ना, आइए बागा भाई, आइए आइए बागा भाई। स्पाइक बंद कीजिए, अब चांद को देखिए। बागा भाई अब चाहे कुछ भी हो जाए आंखें मत खोलना है। लेकिन सेठानी जी हा? इसका फायदा क्या? अरे आप आंखें बंद करके रखिए ना, फायदा बाद में पता चल जाएगा। हा? बागा भाई ऐसे ही रहना है जी। ये सब क्या है सेठानी जी? आप ये क्या कर रही हैं? बागा भाई मैं आपकी नजर उतार रही हूँ। अरे बाप रे सेठानी जी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बागा भाई मुझे दुकान जाना है। बागा भाई दो मिनट, आधी नजर उतर गई है, आधी नजर ही उतरनी बाकी है प्लीज। हाँ और हमारे बागा भाई तो कोई काम आधा छोड़ते ही नहीं है, है ना बागा भाई? हाँ हाँ भाई प्लीज प्लीज खड़ा रहे ना भाई, ऐसा क्या कर रहा है तू? Oh, my God.
बागा प्रादो इतना समझदार है, वो यहाँ रोक, वो ये सब तेरे लिए हो रहा है। बार बार ऐसे बागा मत करो बागा, बागा मत करो बागा। हाँ भाई बागा तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं भाई, खड़े रहो ना सीधे एक जगह प्लीज। छोटी छोटी उतरे रोक, तू उतरे रोक। ठीक है ठीक है। चिट्ठा पर? अरे छोटी का कुछ नहीं होगा रोशन भाभी, आप चिंता मत कीजिए, वो मजबूत आदमी है। छोटी तो वहीं रोक वरना ये फिर से भाग जाएगा। हाँ बरोबर है बरोबर है। सेठानी जी मेरी बात सुनिए, ये सब मत कीजिए प्लीज। नटू काका की कसम मैं नहीं भागूंगा बस। सोडी भाई टेक योर सीट। आजा सोडी आजा, वो कसम खा रहा है नटू काका की तो वो नहीं भागेगा। ठीक है ठीक है। प्लीज सेठानी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए। एक मिनट प्लीज जरा। हाँ हाँ आइए। सेठ जी मैं सिर्फ सेठानी जी से बात करना चाहता हूँ प्लीज। सॉरी हाँ सेठानी जी। हाँ बोलिए बका भाई। मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ सेठानी जी। लेकिन सबके सामने नहीं, अकेले में प्लीज। ठीक है मैं बात करती हूँ। देखिए मुझे पता चल गया है बाघा भाई को किसकी नजर लगी है, तो अभी मैं बाघा भाई को लेकर गार्डन में जाती हूँ, उनकी नजर उतर के जमीन में गाड़ दूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। मतलब नजर को जमीन में गाड़ दूंगी। चलिए बाघा भाई। चलिए बाघा भाई बोलिए क्या हुआ। सेठानी जी बाघा भाई। सेठानी जी बाघा भाई बोलिए ना क्या हुआ। पहले आप ये रख दीजिए प्लीज। बस अब बोलिए क्या हुआ। सेठानी जी बात बहुत नाजुक है, समझ में नहीं आता कैसे कहूं। बाघा भाई जैसे मेरा सुंदर वीरा है ना वैसे आप हो। सुंदर को कोई भी तकलीफ हो या कोई भी बात बतानी हो ना तो वो तो बेझिझक होके फटाक से मुझे कह देता है। आप भी बेझिझक होके दिल खोल के मुझे बताइए। बोलो ना वीरा। आपको सेठानी जी कहूं भाभी कहूं या बिना। बागा भाई आपको मुझे जो भी नाम से बुलाना हो बुलाइए, पर आपको जो बात कहनी है वो जल्दी से बताइए। सेठानी जी जलसा पार्टी की रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे ठहरे हुए पानी जैसी जिंदगी में एक बड़ा सा पत्थर गिर गया है। वो पानी समंदर की लहरों की तरह उछल रहा है और मेरे दिल की दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बागा भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जरा सरल भाषा में समझाओ ना। सरल भाषा? सेठानी जी जलसा पार्टी की रात मैंने और बावरी ने एकदम टकाटक डांस किया था। हाँ, हाँ, किया था। हाँ, फिर हम आपके घर आए थे थैंक यू कहने। हाँ, हाँ, फिर हम रिक्शा में बैठ के हमारे घर पहुंचे और फिर जलसा पार्टी की रात मैंने और बावरी ने एकदम टकाटक डांस किया था। हाँ, हाँ, हाँ,
किया था। हाँ, फिर हम आपके घर आए थे थैंक यू कहने। हाँ, फिर हम रिक्शा में बैठ के हमारे घर पहुंचे और फिर थैंक यू आप लोग मुझे अपने साथ पार्टी में लेकर गए, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। अरे बावरी जी, गोकुलधाम सोसाइटी में हर एक त्योहार ऐसे उत्साह के साथ ही मनाते हैं। मैं तो कहता हूँ बावरी बेटा, हमारी गोकुलधाम जैसे सोसाइटी दुनिया में कहीं पर भी नहीं होगी। अरे बाप रे। ए भाई, रिक्शा क्यों रोक दिया आपने? सॉरी साहब, लगता है रिक्शे का गैस खत्म हो गया है, आप लोग को यहीं उतरना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। बागा, एक मिनट, ये लीजिए आपके 40 रुपए। अब बेटा आइए बाबू जी, संभाल के। हाँ जाइए भाई, गैस भरवा लेना। हाँ अच्छा बागा बेटा, हमारा घर तो पास में ही है, मैं चला जाऊंगा। तू एक काम कर, बावरी बेटी को सही सलामत उसके घर तक पहुंचा के। हाँ हाँ नट्टू काका, मुझे पता है स्त्री की रक्षा करना हर पुरुष का फर्ज है। क्या बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय उडाई बॉय। थैंक यू। अच्छा बावरी बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। आइए बावरी जी। बागेश्वर जी, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? बावरी जी, मैंने अभी तक शादी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तो सोचिए ना। मेरा मतलब है, अगर आप अब नहीं सोचेंगे तो शादी कब करेंगे? हाँ। वैसे आपको लव मैरिज पसंद है या अरेंज मैरिज? ओ, मुझे दोनों का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ। वैसे मुझे तो लव मैरिज पसंद है। अच्छा, मुझे तो एक ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत सीधा साधा हो और जिसका नाम बहुत से शुरू हो और जो हर काम में माहिर हो। बस वहीं रुक जाइए, आपका घर आ गया। अब आपको अकेले जाना पड़ेगा, मैं आपको आपके घर तक छोड़ने आऊं? क्या बावरी जी, आप मुझे छोड़ने आएंगी, फिर मैं आपको छोड़ने आऊंगा, फिर वापस आप मुझे छोड़ने आएंगी, ऐसे तो हम दोनों पूरी रात चलते ही रहेंगे। आप जाइए, मैं चला जाऊंगा। जैसा आप कहें। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? बागेश्वर जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? दिल की बात। बागेश्वर जी, जब से आपसे मुलाकात हुई है, आपको ना देखो तो मुझे रात को नींद ही नहीं आती है। और आती भी है तो उसमें सिर्फ आप ही दिखाई देते हो। जब मैंने अपने दिल से पूछा ये सब क्या है तो उसने कहा कि ये प्यार है। प्यार? हाँ, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू बागेश्वर जी। आई लव यू बागेश्वर जी। 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 ये आप क्या कह रही हैं बावरी जी? हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाँ, जैसे हीर को रांझा से, रोमियो को जूलियट से, लैला को मजनू से हुआ था, वैसे ही बावरी को बागेश्वर जी से प्यार हो गया है। लेकिन बावरी जी। बावरी जी नहीं, सिर्फ बावरी कहिए। बाप रे। बावरी जी, मैं वो बागेश्वर जी, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी।
36 घंटे हैं आपके पास। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। 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 मैं ठीक 36 घंटे बाद लवली गार्डन में आपका इंतजार करूंगी। आना जरूर। हाँ सेठानी जी, एकदम सटक से कह दिया, तब से मैं एकदम बाहुरा बन गया हूँ। मेरा दिमाग बंद हो गया है, समझ में नहीं आता क्या करूँ, क्या जवाब दूँ उसे। अच्छा, अब समझी, इसलिए आप इतना परेशान हैं और इसी वजह से ये सब गड़बड़ हो गई ना। हाँ सेठानी जी, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक तो ना ही मेरा कोई भाई है, ना ही कोई दोस्त। नटू काका भी इस वक्त यहाँ नहीं है। सेठ जी को कहूंगा तो वो मुझ पे गुस्सा करेंगे। आखिर मैं किससे कहूं। इसीलिए मेरा दिमाग कल रात से बंद हो गया है सेठानी जी। बाघा भाई, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, देखिए मेरी माँ हमेशा कहती है, जब दिमाग काम करना बंद कर देता है ना, तो अपने दिल को जगाना चाहिए। मतलब हमारे दिल को पूछना चाहिए, ए दिल भाई अब मैं क्या करूँ, और तब दिल भाई जो बताता है ना वही करना चाहिए। सेठानी जी, थोड़ी सरल भाषा में बताइए ना। हाँ देखिए बगा भाई, आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल क्या कहता है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे हर जगह बावरी जी दिखाई देती है। घर में, दुकान में, काम में, सब जगह बावरी जी दिखाई देती है। यहाँ तक कि आईने के सामने खड़ा होकर मैं अपने बाल बनाता हूँ तो मुझे अपने आप में भी बावरी जी दिखाई देती है। अभी भी आपने जब मुझे आंखें बंद करके चांद को देखने को कहा तो मुझे चांद में भी बावरी जी दिखाई दी, इसीलिए मेरी आंखें खुल गई। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। बागा भाई, आपको हर जगह, हर पल, हर कण में बावरी बहन दिखाई देते हैं ना? हाँ। बागा भाई, हमारे अहमदाबाद की पोल में कहते हैं, ऐसा तभी होता है जब प्यार होता है। प्यार? बागा भाई, आपको प्यार हो गया है, जल्दी से जाइए और अपने प्यार का इजहार कीजिए। अरे लेकिन वो मैं कैसे करूं? ऐसी बात मैंने आज तक कभी किसी से नहीं की। अरे नहीं किए तो कोई बात नहीं, हम लोग सिखा देंगे। ये सोसाइटी में मेरे अलावा आपकी और 5 बहने हैं। मैं अभी उनको बुलाती हूँ। अरे लेकिन बाघा भाई, अब आप सब मुझ पर छोड़ दो। हा? आप यही रुकना, आती हूँ आती हूँ। कोमल भाभी, भिड़े बहन, रोशन भाभी, बबीता जी, अजय भाभी, जल्दी आइए ना। तो आप जेंटस लोग यही रुकिए, सिर्फ लेडीज लोगों का ही काम है। अच्छा, लेकिन ये हो क्या रहा है, पहले दया भाभी गए, अभी सारी लेडीज लोग जा रहे हैं। अरे भाई, बहू ने कहा ना आके बताएगी, अभी शांति रखो। अरे सूट रही हूँ, आगे तो सही बाबा बताती हूँ। दया भाभी फाइनली नजर उतरी की? हाँ नजर उतर गई। बगा भाई, मैं बता दूँ ना? क्या? वो दरअसल बागा भाई को क्या हुआ? बागा भाई को बताइए ना जल्दी से, किसी से प्यार हो गया है।
बग्गू भाई, बाघा भाई। क्या बाघा भाई को प्यार हो गया है? हम लोग समझ रहे थे कि बाघा भाई को किसी की नजर लगी है, लेकिन उनकी नजर किसी से लड़ गई है। यहाँ तो नजरों का अलग ही खेल चल रहा था और हम लोग अलग ही समझ रहे थे। एक्चुअली हाँ, वाह वाह, पर नसीम वाली छोकरी छे कौन? हाँ, बावरी बेन। बावरी? अरे बावरी? वाह वाह, ओए होए, क्या बात है बागा भाई। वो क्या हुआ कि आई लव यू बागेश्वर जी, 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 आई लव यू बागेश्वर जी। क्या बात है, सुवाच बागा भाई, लड़की होके बावरी ने सामने से प्रपोज किया, लकी हाँ। वही तो। थैंक यू बागा भाई, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। पता है, प्यार तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है, और आप इस बात से परेशान हैं? प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ये है कि बाघा भाई को समझ में नहीं आ रहा है कि प्यार का इजहार कैसे करे। हाँ? बावरी बहन ने अचानक प्यार का प्रस्ताव रख दिया ना, तो बेचारे बाघा भाई का दिमाग एकदम सुन्न हो गया है। अब क्या करे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। कमॉन, हम है ना, हम सिखा देंगे। अरे बागा भाई की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी तो हमें अच्छा लगेगा। तो अच्छे। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज प्रेजेंटेशन। आप जब बावरी से मिलने जाओ तो ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाना, हाँ, एकदम स्टाइलिश हीरो जैसे कपड़े पहन के जाना। अच्छा। और बागा भाई, दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आप जब मिलने जाओ तब एक प्यारी सी गिफ्ट लेके जाना। वो क्या है ना, लड़कियों को गिफ्ट बहुत पसंद होती है। हाँ। और थर्ड है स्टाइल। स्टाइल से उसका हाथ पकड़ना, घुटनों पे बैठकर उसे कहना, मम्मी, सांस लेकर कहना, बावरी जी, मैं आपके प्यार में बावरा हो गया। क्या आप जीवन के सफर में मेरी हम सफर बनकर चलोगी? उसके साथ एक लव सॉन्ग गा लो। बस तुम्हारा काम हो गया। बस एब्सोल्युटली। समझ गए? अंडरस्टूड। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बावरी जी के लिए कर लूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें, जाके वहां कह देते हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ, सबने मेरे लिए काफी परेशानी झेली है। चलो चलो चलो। अरे दया, अब तो बता माजरा क्या है। हाँ हाँ दया भाभी, जल्दी। बाघा भाई को बीमारी लग गई है। बीमारी लग गई है? अरे अभी तो मैंने उनको चेक किया, ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो मेरी पकड़ में नहीं आई? वो क्या है, बाघा भाई को दिल की बीमारी लग गई है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने उनके पल्स चेक किए थे। आपने उनका पल्स चेक किया होगा? अभी मास्टर, ये भी कोई मजाक का टाइम है, यहाँ किसी की जान खतरे में है। अरे नहीं 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 हाथी भाई, ये बात नहीं है। वो क्या है, बाघा भाई का दिल गायब हो गया है। दिल गायब हो गया? कोई डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अच्छा दया भाभी, आप प्लीज जल्दी से पॉइंट पे आइए और बताइए ना। हाँ हाँ।
सस्पेंस प्लीज। बागा भाई को लवेलिया हुआ है। मलेरिया? मलेरिया में दिल कहाँ गायब होता है? अरे नहीं नहीं हाथी भाई, मलेरिया नहीं, लवेरिया। बाघा भाई को किसी से प्यार हो गया है। दिल का मामला है। ओए पापा जी। अच्छा अच्छा, बाघा को प्यार हो गया? प्यार हो गया? कौन है वो? किससे? बावरी बहन से। बावरी से प्यार हो गया? गलती से मिस्टेक हो गई इससे? और वो भी बावरी बहन ने सामने से प्यार का इजहार किया है। ये बावरी भी नौरी है। और इसीलिए बाघा भाई का दिमाग बंद हो गया है। हाँ ये तो होना ही था। मसाला सिंपू। और यार आप प्यार कीजिए ऐसी है। और मैं तो रोशन के घर के सामने पूरे सात दिन बिना खाए पिए खड़ा रहा था। और तब जाके रोशन मानी थी। क्यों सुनिए मैंने सच किया ना? अरे रोशन टड्डन चुट्ठुआ सिर्फ खाए बगैर खड़ा था। याने बिल्डिंग के नीचे कितना दंगा किया था। लुच्चो। ओए पापा जी। अरे बबी दादा मेरे प्यार में भूख हड़ताल पर बैठ गई थी, तब जाकर मैंने हाँ बोला। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तारक ने क्या किया था पता है? 101 कविताएं लिखी थी मेरे लिए। रोज एक कविता सुनाते थे और भेंट करते थे। अंजलि एक कविता 101 दिन रोज भेजी, लेकिन हर कविता के साथ एक गुलाब भेजा, वो याद नहीं? 101 कविताओं के साथ जेठालाल एक गुलाब रोज, 101 दिन मानी फिर ये। गुलाब भूल गई। पर गुलाब का क्या, गुलकन बुलकन बनाया कि नहीं? अरे वो गुलाब तो करेले में तब्दील हो गया भाई। पता नहीं मुझे ऐसा प्यार कब होगा। वैसे माधी और मेरी तो अरेंज मैरिज थी, लेकिन वो अरेंज मैरिज शादी के बाद कब लव मैरिज में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। हो ना माधवी? हाँ, शादी के बाद शुरू शुरू के दिनों में ये रोज खुद बालों में गजरा लगाते थे। माधवी भाभी। हाँ। तब इतने लंबे बाल थे? या नहीं नहीं, ये अपने हाथों से खुद मेरे बालों में गजरा लगाते थे। असा मैं समझा। और टोपू के पापा तो? चलो भाई मैं चलता हूँ। भाई भागा तू ठीक है ना? हाँ हाँ बापूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मुझे आप सबसे माफी मांगनी है, मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी हुई। काय भागा भाई। और थैंक्स भी कहना है कि आप सबने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। क्या भागा भाई आप भी। अरे भागा हमें कैसी परेशानी, और थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे परिवार के सदस्य की तरह हो। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सेठ जी। सॉरी मेरी वजह से आपको 50,000 रुपए और एक प्रेशर कुकर का नुकसान हो गया। हाँ भाई प्यार तूने किया और सजा मैंने भुगती। अरे तेरा प्यार मुझे 50,000 में पड़ा। सॉरी। तो अब मैं चलता हूँ। सेठानी जी हा? कल बावरी जी के सामने अपने प्यार का इजहार कर दू ना? हाँ हाँ भाई, वरना मेरे 50,000 की कुर्बानी फोकट जाएगी भाई। हाँ बागा भाई सुबह शीघ्रम जल्दी बोल दीजिए। चलो भाई बागा, ऑल द बेस्ट कल के लिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बागा, ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। और बागा लेट मत करना, लेट बिल्कुल मत करना। थैंक यू। हाँ नहीं तो तुझे पोपट वाइजा। हाँ क्या बोला बेटा? थैंक यू। मैं तो डर गया था। अच्छा बेटे भाई, अच्छा बाबू भाभी, अच्छा बापू जी चलता हूँ। हाँ सेठ जी चलता हूँ। सेठानी जी
चलता हूँ। बाय बागा। देखिए प्यार वार सब ठीक है, लेकिन दुकान में बहुत सारा काम बाकी पड़ा है और नटू काका भी नहीं है, तो कल जरा दुकान जल्दी पहुँच जाना भाई। हाँ हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कल दुकान जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा चलता हूँ। चल तू आ रही है क्या? अच्छा।